आफ्टरनून प्यारे बच्चों, सब लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। आज फिर से मैथ की प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं आप सबके लिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी के सभी पूरे के पूरे क्वेश्चन एडवांस मैथ के हैं, और ये पूरे एडवांस मैथ के जो क्वेश्चन हैं इनकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और फिर हम लोग शुरू करेंगे आज का क्वेश्चन। देखिये, जब मैं आपको शीट दिया करूं 4 से 5 घंटे पहले, मैंने इसका प्रीमियर कर देता हूं, आप सब वहां से डिस्क्रिप्शन से निकाल करके शीट पहले सॉल्व किया करो। नहीं आता तो फिर वो क्वेश्चन आप लोग देखा करो, 2 बार 3 बार 4 बार देखोगे चीजें बेहतरीन आएंगी। हर बार मैं कुछ नए कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश करता हूं, और इस वाले प्रैक्टिस सेट में भी आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी देखने को। 20 क्वेश्चन केवल हैं, सिंपल सिंपल भी हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है। मैंने इसमें एडवांस मैथ और डीआई के क्वेश्चन मिला हुआ है, डेटा इंटरप्रिटेशन के। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर मैथ पहला क्वेश्चन पेश करिए, यहां पर सॉल्व करो जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए। लिखा गया है, 3 घनों को जिनकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, सिरे से जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बड़ा ही सरल सवाल है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले वाले संडे स्पेशल में भी कराया था। देखिए क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि इसमें जो ये घन है, 3 घन है, कितने घन है, 3 घन है। आप जरा देखो, 1 घन इस तरीके का होगा, 3 घन दिया गया है, क्वेश्चन मैं छोड़े रहता हूं, आप लोग क्वेश्चन भी देख देख के मेरे साथ लगाया करो ताकि आपका और अच्छा सा तैयार हो जाए। ऐसे ये 3 घन दिए गए हैं, और इनकी जो प्रत्येक भुजा है वो 2 सेंटीमीटर की है। ये जो भुजाएं हैं वो 2 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं मेरे दोस्तों, उसकी पूरी भुजा 2-2 सेंटीमीटर की है, और जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे तो घन कहते हैं। कह रहे हैं इन तीनों को एक साथ मिला दिया जाता है, और अगर इन तीनों को एक साथ मिलाया जाता है तो एक घनाभ बन के तैयार होता है, एक घनाभ बन के तैयार होता है। इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से घनाभ बन के तैयार होगा। तो आप मुझे बताना, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर अगर इस पूरे को हम लोग देखें तो क्या ये मिल करके 6 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा क्या? आप कहोगे हाँ हो जाएगा, लेकिन आप अगर देखें तो क्या इसकी चौड़ाई में कोई परिवर्तन हुआ क्या? आप कहोगे नहीं सर। इसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन हुआ क्या? तो आप कहोगे नहीं सर। इसका मतलब हमको हर चीज पता हो गया। क्या इसकी लंबाई की बात करें तो ये 6 सेंटीमीटर हो गई, चौड़ाई की बात करें तो 2 ही सेंटीमीटर है, और ऊंचाई की बात करें तो 2 ही सेंटीमीटर है। बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, अच्छा करो बेटा, जल्दी जल्दी लगाओ। देखो अब ये तो हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको सब पता चल गया। अब अगर हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना हो तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अगर हम करें तो होता है 2lb + bh + hl, यही तो होता है। अब यही वैल्यू आप यहां पे पुट करो, बस आपका आंसर आ जाएगा 2 × l × b 6 × 2, तो 6 × 12 + 2 × 4 bh + 2 × 6 फिर से 12, और इसे जोड़ोगे तो 12 × 12 = 24 × 4 = 28 × 2 = 56, तो ये आ जाएगा 56 cm², और यही है आपका आंसर। बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 3:4 का अनुपात है, और इसका आयतन 96 घन सेंटीमीटर है, तो इसके पार्श्विक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप सब लगाइए, देखता हूं किसका इसका जल्दी आता है। जल्दी करिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हल किया करिए मेरे दोस्त। दूसरा क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई। देखिए लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या अगर r, ऊंचाई अगर h है, तो इसमें जो अनुपात है वो 3:4। इसका मतलब अगर इसकी रेडियस को हम 3 और इसकी हाइट को हम 4 मान ले तो कह रहे हैं कि इसका आयतन 96 घन सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1/3 πr² h होता है, जो 96 cm³ के बराबर है।
96 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। और आप जान रहे हैं 1/3 पाई को ऐसे ही रहने दो, आर की वैल्यू आप देख रहे हैं कितना है 3, तो इसको हम मान लेते हैं 3x, इसको मान लेते हैं 4x, तो ये हो जाएगा 3 * 9x² * इसको करेंगे तो 4x बराबर हो जाएगा 96, और 3 * 9 12, अब 3 12 से कराएंगे तो 12 * 8 = 96, और x का x में करेंगे तो हो जाएगा x³ πx³ इज इक्वल टू कितना 8 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू हम लोग निकालें तो आ जाएगा 2, यहां से आ जाएगा 2, ठीक है। और अगर हम x की वैल्यू यही उठा करके यहां पर रख दें तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। अब आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है वो पूछ रहा है पार्श्व क्षेत्रफल। देखिए बच्चा एक चीज और हम आपको बता दें, यहीं से अगर हम l निकाल लें तो ये जानते हो ट्रिपलेट बन जाएगा और ये आएगा 5x। अब यहां से हम लोग अगर सोल्यूशन करना चालू कर दें तो हमारा जो कह रहा है पार्श्विक पृष्ठ का क्षेत्रफल वो होता है पाई आर एल, और ये हो जाएगा पाई इंटू आर, आर की वैल्यू आपके पास पता है कितना 3 × 6, और एल एल की वैल्यू पता है कितना 5 × 9 = 10, ये हो जाएगा 10, तो आपका आंसर आएगा 60 पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा 60 πcm². देखिए 60 πcm², समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर महोदय अगला क्वेश्चन दिखाइए। जल्दी से चलिए मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक गोले को दो एक समान अर्ध गोलों में कर दिया जाता है और दोनों भागों को हर सतह को रंग दिया जाता है जिसकी त्रिज्या r है, रंगाई 8 रुपए प्रति इकाई है, तो अर्ध भागों की रंगाई में कुल खर्च कितना आएगा। देखिए ये एक गोला है, ये एक गोला है और इसको ऐसे काट दिया गया तो दो दो कटोरे निकले, दो दो कटोरे जैसे गोले निकले, ऐसे ऐसे दो दो कटोरे जैसे गोले निकले। इनकी रेडियस जो है वो r है, इनकी रेडियस कितनी है r है, और कह रहा है कि रंगाई का खर्च 8 रुपए प्रति वर्ग है। अब आप बताओ अगर इसको हम रंगने में कुल इसके पूरे भाग रंगेंगे तो अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा, और अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ अगर हम लोग देखें, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr² होता है ना 3πr². अब ये 3 है ये भी है तो दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा 2 × 3πr², तो ये हो जाएगा 6πr². अब कह रहा है कि इनके रंगाई का जो खर्च है 8 रुपया प्रति वर्ग है, तो कुल खर्च कितना होगा 8 का गुणा कर दीजिए, कुल खर्च कुछ पता है नहीं इसलिए 8 का गुणा कर देंगे पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 8 × 48 πr² रुपया, ठीक है, इतना खर्च आ जाएगा 48 πr² रुपया। बहुत अच्छा, शाबाश, क्या बच्चों ने किया है, वाह। चलिए कंप्यूटर महोदय अगला क्वेश्चन पेश करिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत सरल, जरा देखिए इसे जल्दी से लगाइए। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है, बहुत सरल है, जल्दी जल्दी कीजिए। लिखा है यदि एक अर्ध गोलीय कटोरे के आंतरिक परिधि 132/7 सेंटीमीटर हो तो इसकी धारिता क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए परिधि अगर जब भी आपसे पूछेगा आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, परिधि तो हमेशा 2πr ही हुआ करेगी। इसका मान दिया है 132/7, तो ये हो जाएगा 2 × π का मान होता है 22/7 × r, r का मान आपको पता नहीं है 132/7, अब 22 × 6 = 132 होता है, 7 7 से कट गया, 2 3 = 6 हो गया, r की वैल्यू आ गई 3, रेडियस आपको पता हो गई 3। अब आपसे पूछ रहा है इसकी धारिता, धारिता का मतलब क्या होता है, धारिता का मतलब क्या होता है भैया, आयतन, धारिता का मतलब ही होता है आयतन, और आयतन आपसे अगर मैं पूछूं कि एक अर्धगोलीय कटोरे का आयतन क्या होगा तो आप कहोगे सर 2/3πr³ होता है, 2/3π को पाई रहने दो, r की वैल्यू आपको पता है 3 × 9 = 27, इसे कटाएंगे हो जाएगा 9 × 9 = 18π, और ये आपका आंसर आ गया 18π घन सेंटीमीटर, जो भी हो सेंटीमीटर क्यूब,
आपका आंसर है 18 सेंटीमीटर, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर में होता है, अगला क्वेश्चन दिखाइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा बड़ा होगा, लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जल्दी से समझिए और जल्दी से लगाइए आप लोग, जल्दी से करिए भाई। जल्दी जल्दी लगाओ बच्चा। थोड़ा ठीक क्वेश्चन है ये, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। कह रहा है एक धातु के ठोस लंबवृत्तीय बेलन का व्यास उसकी ऊंचाई के बराबर है। इस बेलन में से अधिकतम संभव ठोस गोला S काटने के पश्चात शेष पदार्थ को ढालकर एक अन्य गोला S1 बनाया जाता है। गोला S और S1 की त्रिज्याओं में क्या अनुपात है ये आपको बताना है। चलिए लगाया जाए, एक ऐसे लंबवृत्तीय बेलन होगा कुछ इस तरीके से, एक इस तरीके से लंबवृत्तीय बेलन होगा जिसके अंदर से बड़ा जितना संभव हो सके उतना बड़ा गोला काट के निकाल लिया गया है। दूसरी बात कह रहे हैं कि इस लंबवृत्तीय बेलन का व्यास उसकी ऊंचाई के बराबर है, अर्थात ये जो यच है ये इतना ऊंचा है जितना ये यहां से यहां तक, अर्थात ये जो यच कहूं या मैं इसी को 2R कहूं कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो मैं कह सकता हूं यच बराबर 2R या R बराबर यच बाई 2। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब कह रहे हैं इस बेलन से अधिकतर संभव ठोस गोला काटने के पश्चात, तो यदि हम इसका आयतन निकालें और गोले का आयतन निकाल के काट दें तो जो भाग बचेगा वो शेष बचेगा। तो पहले बेलन का आयतन निकालिए, बेलन का आयतन निकालिए, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे अगर हम पाई रख दें, आर की वैल्यू देखें तो आप कहोगे सर एच बाई टू है, एच बाई टू रख दिया, स्क्वायर लगाया इंटू एच, तो आंसर आया पाई एच क्यूब बाई 4। ये आपको आ गया बेलन का आयतन। अब अगर हम गोले का आयतन निकालें तो गोले का आयतन क्या होगा बच्चा, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हो जाएगा 4/3, पाई को पाई ही रहने दीजिए, आर की जगह पे फिर से क्या रख दूं मैं एच बाई टू का होल क्यूब, तो हो जाएगा 4/3 पाई एच क्यूब अपॉन 8, और इसे कटाएंगे तो हो जाएगा पाई एच क्यूब अपॉन 6। अब अगर हम शेष भाग देखें, शेष भाग इसमें से मैंने गोला काट के निकाल लिया, इसमें से मैंने गोला, ये पूरा आयतन था, इसमें से मैंने इस गोले को निकाल लिया, तो शेष भाग का आयतन क्या होगा, शेष भाग का आयतन क्या होगा भैया, शेष भाग ये जो S है उसका बता रहा हूं, तो ये हो जाएगा 4πh³/4 − πh³/6। तो अगर इसका लसा ले लें तो हो जाएगा 12, तो 3 में से गए कितना हो जाएगा पाई एच क्यूब अपॉन 12। ये आ गया आपका S का वॉल्यूम। अब देखिए ये आयतन आ गया, अब कंप्यूटर में तो क्वेश्चन हटा दीजिए। अब कह रहे हैं इसको हटा देने के बाद यश, इसमें कह रहे हैं यश वन यश काटने के पश्चात एक इससे जो शेष भाग ये जो बचा है उससे एक और बढ़ाया जाता है। अब मान लीजिए जो नया वाला गोला है, नए गोले का, नए गोले की त्रिज्या कुछ मान लो, नए गोले की त्रिज्या बराबर R है, तो अगर इसका हम आयतन आयतन निकालेंगे तो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और भैया ये जो आयतन होगा वो क्या इसी वाले आयतन के बराबर होगा क्या, ये इसी शेष वाले आयतन के बराबर होगा क्या, तो आप कहोगे हाँ सर होगा। तो यहां पर हम लोगों ने लिखा ठीक है पाई एच क्यूब अपॉन 12, और इसे अगर देखें तो पाई पाई से कट गया, ये वाला अगर हम लोग देखें तो 3 × 4 = 12, इसका इसमें गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 16 16 r³ = h³।
अब आप देखो, अगर हमको निकालना है दोनों गोलों के बारे में, तो आप बताओ दोनों गोलों यस और यस वन का निकालना है, ये यस वाला है, अगर यस रेशियो यस वन निकालना है तो हमको इसके जगह एच की वैल्यू हम लोगों ने यहां पर देखा था कि 2R था, यहां पर 2R रख देंगे तो हो जाएगा 8R³। क्या हो जाएगा भैया? तो यहां पे ये हो जाएगा 8R³ रेशियो 16R³, ये हो जाएगा। और ये दोनों आपस में अभी बराबर हैं, ये आपस में बराबर हैं, तो हम इसे R³/R³ कर लें तो हो जाएगा R² 16 2/1। अगर घनमूल निकाल लें तो R/R का घनमूल होगा 3√2/1, या इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2√1/3/1। और अगर हमसे पूछा था रेशियो तो हम लोग इसका रेशियो बना देंगे 2√1/3√1, और यही आपका है आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसे आप लोग एक बार दो बार समझ लेना, ठीक है। चलिए भैया, कंप्यूटर में होता है, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है, ऐसा मैंने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी कराया है, पिछले वाले संडे स्पेशल में मैंने ऐसा कराया है। एक सेकंड का क्वेश्चन है, आप लोग देखकर तुरंत आंसर बता सकते हैं, जल्दी से करो बेटा। चलिए, लिखा है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर एवं 15 सेंटीमीटर है। दो संकेंद्रीय, देखिए ये आपका कोई वृत्त है, दो दो वृत्त हैं, संकेंद्रीय होने का मतलब जिनका केंद्र एक ही हो। कह रहे हैं इसकी एक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर की है, मान लीजिए ये 9 सेंटीमीटर है, दूसरे की त्रिज्या कह रहे हैं कि ये दूसरे की जो त्रिज्या है वो कितने सेंटीमीटर है भैया जी? 15 सेंटीमीटर है। वो कितने सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं मार्कर का, ताकि आपको अच्छा समझ पाए। 15 सेंटीमीटर है, इसकी माप पता है 15 सेंटीमीटर, इसकी माप पता है कितना? 9 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो तो जीवा की लंबाई बताइए। ये एक ऐसी, बड़े वाले की एक ऐसी जीवा है जो छोटे वाले की स्पर्श रेखा है, ये इस तरीके से काटते हुए जा रही है, तो आपसे पूछ रहे हैं इस जीवा की लंबाई बताइए। तो आप मुझे बताना, हमने कहा था वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, तो आप कहोगे हाँ। हमने कहा था कि अगर ये वृत्त की त्रिज्या है तो क्या यहां से लेकर के अगर मैं इसको यहां पर मिलाऊं तो भी वृत्त की त्रिज्या हो गई? आप कहोगे हाँ। तो आप यहां पर देखिए कि अगर ये लंब है तो 90 अंश का कोण बनाएगी, समकोण होगा। तो अगर ये 15 है, ये 9 है, तो क्या ये पाइथागोरस के प्रमेय से हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या? 15² - 9² बराबर, ये मान लीजिए अगर मैं नाम दूं AMBO, तो क्या AM जो AM होगा ये OA² ये जो OA² ये त्रिकोणमिति के नियम से ये समकोण त्रिभुज बन गया OA² माइनस अगर OM² बराबर, तो क्या AM² आएगा क्या? तो अगर OA² देखे तो 15² माइनस OM² देखे तो 9² बराबर AM² अगर आएगा तो 15 में 225 माइनस 9 81 बराबर AM², और अगर AM² का मान हम लोग देखें तो 144 आएगा, तो AM बराबर जो मान आएगा वो क्या 12 आएगा क्या? अब आप मुझे बताओ, अगर यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी 12 आ गई, तो क्या यहां से यहां तक की भी दूरी 12 ही सेंटीमीटर होगी क्या? तो क्यों होगी? क्योंकि आप जानते हो वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर डाला गया लंब उस वृत्त को या उसके स्पर्श रेखा को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा जीवा की लंबाई कितनी? 24 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है, जीवा की लंबाई हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। कंप्यूटर महोदय अगला क्वेश्चन दिखाइए। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सरल है, आप लोग चाहेंगे तो तुरंत आ जाएगा, जल्दी से सॉल्व करो भैया। अगला क्वेश्चन हल करिए। करा एक प्रकार के दो पायों के बीच का कोण 60 अंश है, जबकि प्रत्येक पाए की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, प्रकार के दोनों पाए जिन बिंदुओं को छूते हैं उनके बीच की दूरी कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखिए ये एक प्रकार है, ऐसे
फिगर आपके क्वेश्चन में बना है, ये ऐसे आपका प्रकार है, इसे मिला दिया गया है। ये 30 अंश है, ये भी 30 अंश है, ये 10 है, ये भी 10 है। कह रहे हैं इनके बीच की दूरी आप बताइए, इनके बीच की दूरी आपको बताना है। बड़ा सरल क्वेश्चन है। देखिए भैया क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके बीच की आप दूरी बताइए। अगर आप चाहें तो एक बार में ही सवाल लगा सकते हैं, लेकिन नहीं तो हम लोग थोड़ा सा सवाल को देखते हैं कैसे। आप देखो, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ये 30 अंश है, ये 30 अंश है, ठीक है, ये सवाल में कह रहा है इनके बीच की दूरी बताइए। अगर हम इसे संपूर्ण एक त्रिभुज बना लें तो ये 30 अंश है, तो क्या ये वाला 60 अंश होगा क्या? आप कहोगे हाँ। अगर ये 30 अंश के सामने की भुजा कुछ भी रही होगी तो उसके सामने के, अगर 90 अंश के सामने, हमने आपको त्रिकोणमिति में बताया 30 अंश 60 अंश और 90 अंश का रिलेशन बताया था, तो अगर इसका एक है तो इसका अंडर रूट टू होगा, सॉरी अंडर रूट थ्री होगा और इसका टू होगा। इसका मतलब अगर यहां से यहां का मान दो गुना है तो इसका मान दो का भाग देने पे पता चलेगा, हाँ या ना? तो आप कहोगे अगर ये 10 है तो 30 अंश के सामने की भुजा कितनी होगी, 5 होगी कि नहीं होगी? तो ये वाली भी कितनी होगी, 5 होगी। इसका मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। आराम से ऐसे आप कर सकते हो, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, 10 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? एकदम छोटा सटीक एकदम बता रहा हूं, क्वेश्चन लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट लगा सकते हो। कंप्यूटर महोदय अगला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी। बड़ा सरल क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में, एक वृत्त है, ऐसे एक वृत्त है और इसका व्यास कितना है मेरे सरकार, 10 सेंटीमीटर। तो क्या इसकी त्रिज्या मैं 5 सेंटीमीटर कह सकता हूं क्या? आप कहोगे बिल्कुल कहेंगे, आप कहोगे बिल्कुल कहेंगे। कह रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर लंबी दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी बताइए। 8-8 सेंटीमीटर की दो जीवाएं हैं, ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर की एक जीवा ये है, 8 सेंटीमीटर की एक जीवा ये है, ये ए बी है, ये मान लीजिए सी डी है। कह रहे हैं इनके बीच की दूरी आप हमको बताइए, ये पूरी दूरी कितनी है, यही आपको बताना है। कुछ नहीं करना, सवाल बिल्कुल सरल है। आप बताओ मुझे, क्या वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है क्या? तो आप कहोगे हाँ। तो क्या ये, अगर ये पूरा 8 सेंटीमीटर था, 8 सेंटीमीटर था, तो क्या ये यहां से यहां तक 4 होगा क्या? सही है, होगा। तो आप मुझे बताओ अगर ये 4 होगा, ये कितना होगा नहीं पता। अगर मैं इस चीज को यूं ऐसे मिला दूं, यूं ऐसे मिला दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर मैं इस चीज को ऐसे मिला दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों मिला रहा हूं, आप लोग जान गए होंगे कि संपूर्ण त्रिभुज बनाने की चेष्टा कर रहा हूं, संपूर्ण त्रिभुज बनाने की चेष्टा कर रहा हूं। तो मैं यहां से इसको अगर मिला दिया तो यह भी तो 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये त्रिज्या है। अब ये 4 है, ये 5 है, तो ये बताओ यहां से यहां तक की दूरी क्या 3 सेंटीमीटर होगी क्या? ट्रिपलेट्स है, ट्रिपलेट्स है, 3 सेंटीमीटर होगी क्या? तो अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी क्या? तो आप मुझे बताओ कि इसके बीच की दूरी कितनी हुई, 6 सेंटीमीटर हुई कि नहीं। अब अगर इसे ट्रिपलेट किसी को नहीं समझ में आएगा तो आप संपूर्ण त्रिभुज से निकाल लेना, कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग घटा दोगे, 5 25 25 में से 4 6 16 गए 9, 9 का वर्गमूल 3, तो ऐसे भी आप इसे निकाल सकते हो। कंप्यूटर महोदय अगला क्वेश्चन दिखाइए। चलिए अगला क्वेश्चन भी बेहद सरल है, अगला क्वेश्चन भी बेहद सरल है। चलिए मेरे दोस्त जल्दी जल्दी कीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया गया है, ये ऐसे क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन तो लगाने नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट ऐसे देखो आंसर बता दो। ये क्वेश्चन है ओ ए बी पी, और आपसे पूछा है एंगल ए पी बी का मान क्या होगा। साबस बच्चों, बहुत लोग गलत और बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं। इसमें लिखा है जो त्रिज्या ओए है वो एबी के बराबर है, इसका मतलब ये जो ओए है वो ओबी के बराबर होगा, क्यों दोनों त्रिज्याएं हैं और ये जो ओए है वो एबी के बराबर है। इसका मतलब जब तीनों भुजा बराबर, तो ये तीनों 60 60 एंगल 60 60 डिग्री के हो जाएंगे,
समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और आप जानते हो कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। या ऐसा भी बिल्कुल ठीक है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। या ऐसा भी ठीक है कि वृत्त की परिधि पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो इसका मान कितना डिग्री हो जाएगा? तीसरा। तो इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री आंसर। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी करो मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं 5x2 सेंटीमीटर स्क्वायर आकार के गत्ते से एक आयताकार फलक से बृहत्तम वृत्त काटा बटे हुए भाग का। बहुत सरल सवाल है। देखिए भैया ये 5x2 का एक कार्डबोर्ड है, ये 5 है ये 2 है। इसका अगर क्षेत्रफल में से कह रहे हैं बड़े से बड़े माप का निकालिए, तो बड़े से बड़े माप का कौन सा निकलेगा इसमें से? बड़े से बड़े माप का कौन सा निकलेगा? जिसका व्यास उसकी चौड़ाई के बराबर होगा। जिसका व्यास उसकी चौड़ाई के बराबर होगा वही तो बड़ा से बड़ा निकलेगा, यही तो निकलेगा भाई। अगर इसका व्यास ये, तो क्या इसकी त्रिज्या 1 होगी? ये 2 है ये 5 है, तो इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल निकाल लो, तो बाकी जो ये बचेगा वही क्षेत्रफल होगा, शेष क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? आयत का क्षेत्रफल, आयत माइनस क्या? वृत्त। और इन्हीं दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 5 गुणे 2, और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब यहां से 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 5 × 10 माइनस पाई, और यही आपका है आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोस्त सही है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़िए। अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति से है मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ा सरल क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। लिखा गया है कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा, कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 5/3। और कह रहा है कि जो थीटा का मान है वो 0 अंश से तो बड़ा है लेकिन 90 अंश से छोटा है। तो देखिए इसके लगाने के कई तरीके हैं, आप चाहो तो कोण से लगा लो और चाहो तो आप मानों से लगा लो, दोनों। इसका इधर गुणा कर दीजिए और इसका इधर गुणा कर दीजिए, तो ये करेंगे तो हो जाएगा 3 cosec थीटा प्लस 3 sin थीटा, और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 cosec थीटा माइनस 5 sin थीटा। इसको इस साइड ले लो, इसको इस साइड ले लो, तो ये हो जाएगा 8 sin थीटा बराबर, इसको इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 cosec थीटा घट जाएगा, तो 2 × 4 = 8। अगर इसे हम करें 4 sin थीटा बराबर cosec थीटा, इसको अगर हम बटे में कर दें तो ये हो जाएगा 4 sin थीटा बराबर 1/sin थीटा, और इसका इधर गुणा कर दो तो हो जाएगा 4 sin²θ बराबर 1, और sin²θ अगर हम मान निकालें sin²θ तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 1/4, और अगर हम sin θ की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 1/2। अब इसी चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं, sin θ बराबर sin 30 डिग्री, इसे कटा दीजिए, थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो आपसे पूछा है tan θ का मान बताइए, तो यहां पर रख लीजिए tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। आपका आंसर आ गया, आंसर नंबर 20 सही है। कंप्यूटर में अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सरल है। कह रहे हैं कि यदि 0 डिग्री इज लेस एंड इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस एंड इक्वल टू 90 डिग्री और साइन एक्स प्लस √3 cos x इक्वल टू 1, तो एक्स का मान बताइए। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से करिए आप सब, चलिए जल्दी से करिए क्वेश्चन। मजा आ रहा है ना भाई क्वेश्चन में, दोपहर में मैथ। चलिए लिखा गया है sin x + √3 cos x = 1।
कुछ मत करिए, दो से दोनों पक्षों में भाग दीजिए, आंसर आपका तुरंत बन जाएगा। दो से दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए, दो से दोनों पक्षों में भाग देने पर, भाग देने पर क्या भाग देंगे तो क्या बन जाएगा बताए भाई, अगर भाग देंगे तो क्या बन जाएगा? कुछ नहीं, यहां से भाग दीजिए तो 1/2 साइन एक्स प्लस √3/2 कॉस एक्स बराबर 1/2, बस खत्म। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। इसे करेंगे तो अगर आप लोग करें तो क्या ये कॉस 30 और ये साइन एक्स प्लस नहीं, इसे साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 साइन एक्स कॉस 30 और कॉस एक्स हो जाएगा बराबर 1/2 कर दीजिए। अब अगर ये साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी अगर आप देखें तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये कॉस ए माइनस बी का अगर फॉर्मूला बन जाएगा तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा भैया, 30 माइनस एक्स है ना बराबर बन जाएगा। अगर इसे भी देखें तो ये हो जाएगा कॉस 90 सॉरी यार कॉस 60 ना, तो इसे अगर आप कर लेंगे कॉस 60 बन जाएगा, इसे आप करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो ये क्या बन जाएगा कॉस कॉस से खत्म, 30 माइनस एक्स बराबर कितना 60, एक्स उस साइड ले जाओगे नहीं, इसे एक्स माइनस का बनेगा सॉरी, ये बन जाएगा कॉस एक्स माइनस 30 बराबर कॉस 60 डिग्री, तो एक्स माइनस 30 डिग्री बराबर 60, इसको इस साइड ले जाएंगे तो एक्स बराबर कितना 90 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया एक्स बराबर 90 डिग्री, आंसर होगा डी। कंप्यूटर में होता है, अगला क्वेश्चन दिखाइए। लिखा है एक टावर के साथ, अगला क्वेश्चन देखो दोस्त, एक टावर के साथ उसके आधार से दो मकान संरेख में हैं, एक 3 मीटर और एक 12 मीटर की दूरी पर अवस्थित है, तो टावर की ऊंचाई आपको बतानी है। देखिए भैया ये मान लीजिए टावर है, उसके आधार से एक मकान यहां पर 3 मीटर की दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर, और एक यहां से 12 मीटर की दूरी पर है, तो यहां से तो 9 ही होगा ना, 12 मीटर की दूरी पर है, तो कह रहे हैं इस मीनार की ऊंचाई आप बताइए, लेकिन एक शर्त बड़ी जबरदस्त कहती है कि दोनों के साथ ये जो कोण है वो कोण आपस में पूरक कोण है, तो अगर मैं इसे मान लू कि ये थीटा है, अगर मैं इसे मान लू कि ये थीटा है तो क्या ये वाला 90 माइनस थीटा होगा क्या, आप कहोगे हाँ। तो अब इस सवाल को लगाने के लिए आपको थोड़े से मेथड समझने पड़ेंगे कि दोनों में आपको टैन लेना पड़ेगा, दोनों में टैन लेना पड़ेगा। कंप्यूटर में जो क्वेश्चन देखे फंसेगा तो हटा दीजिएगा। तो यहां पर हमने लिखा टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, लंब क्या हो गया एच, एच बटे कितने 3, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। और अगर दूसरे वाले को देखे तो बनेगा टेन, ये वाला एंगल लेंगे तो बनेगा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एच बाई 12, एच बाई 12, तो इसी को 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉट थीटा बराबर एच बाई 12। अब अगर इसे हम समीकरण 2 मान लें तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का आपस में गुणा कर दो, तो समीकरण 1 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा भैया, जरा यहां पर देखिए, बनेगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू एच बाई 3 और इंटू एच बाई 12, तो इसका अगर कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 36, और इसका इधर इंटू कर दोगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो यहां से अगर आप एच की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 6, और यही होगा इस मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। ठीक है भाई,
समझ में आ रहा है ना भैया। चलिए जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन कंप्यूटर में होता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 14 नंबर भी त्रिकोणमिति का। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं, जल्दी जल्दी कीजिए मेरे भैया। चलिए लिखा है कॉस स्क्वायर पाई बाई एट, कॉस स्क्वायर पाई बाई एट प्लस फोर कॉस स्क्वायर प्लस फोर कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर, कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस सेक पाई बाई थ्री प्लस फाइव टेन स्क्वायर पाई बाई थ्री प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई एट। ये क्वेश्चन है, आपको इसका मान बताना है। बड़ा सरल हो गया। एक चीज यहां पर देखिए कि ये साइन स्क्वायर पाई का स्क्वायर पाई बाई एट और ये साइन स्क्वायर पाई बाई एट, ये दोनों मिला के एक बन गया। इसकी वैल्यू रखनी है तो मैं यहां पर डायरेक्ट इसे वन रख देता हूं, प्लस फोर इंटू पाई बाई फोर का मतलब होता है कि 180 बाई फोर, तो इसे घटा दोगे चार चौक सोलह चार पंचे बीस, ठीक है, तो इसका 45 डिग्री हो गया। तो 4 इंटू कॉस स्क्वायर 45 मतलब 1 बाय रूट टू का होल स्क्वायर, 1 बाय रूट टू का होल स्क्वायर माइनस, अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा sec 60 डिग्री। sec 60 का वैल्यू कितनी होती है भैया, cos 60 का उल्टा कर दीजिए, cos 60 का अगर आप उल्टा कर देंगे, देखिए जैसे इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 180 बाय 3 तो तिछा का 18, ये हो जाएगा कितना माइनस sec 60। अब sec 60 को निकालना है तो क्या करो, आप cos 60 का अगर मान जानते हो तो आप उल्टा कर दो, तो इसका मान उल्टा कर दोगे तो हो जाएगा sec 60 का मान डायरेक्ट लिख देता हूं 2, ठीक है, प्लस 5 इंटू ये भी tan 60 हो जाएगा, स्क्वायर लगा देंगे तो हो जाएगा 3। ये वैल्यू बन गई। अब इसे आप लोग कटाइए, देखिए क्या होता है, 1 प्लस इसको 1 बाय 2 कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 5 तिहाई 15, और ये इससे कट गया तो 15 16, और आपका आंसर हुआ कितना भैया 16। समझ में आ रहा बेटा। चलो अगला क्वेश्चन कंप्यूटर जी, अगला क्वेश्चन दिखाइए। अगला क्वेश्चन भी कंप्यूटर जी दिखा रहे हैं कि त्रिकोणमिति का ही है। अगला कंप्यूटर जी का क्वेश्चन भी त्रिकोणमिति दा दिए भैया, त्रिकोणमिति। देखें ये एसएससी बैंक रेलवे जो भी इस समय एनटीपीसी वगैरह की परीक्षाएं होंगी सबके लिए बहुत जरूरी है, तो इसे अच्छे से समझते जाओ। लिखा गया क्यू कोसेक थीटा बराबर पी, क्यू कोसेक थीटा बराबर पी, और थीटा न्यून कोण हो तो आपको बताना है रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर टेन थीटा, टेन थीटा इसी की वैल्यू आपको बतानी है मेरे भाई। तो चलिए पहले इसको कोसेक थीटा वाले को बनाते हैं, इसको अगर हम इस साइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बनेगा कोसेक थीटा बराबर पी बाई क्यू। अगर इसे पी बाई क्यू हम इसका आधार भी निकालें, अगर आप इसे देखोगे तो ये कर्ण बटा लंब है, ये तो कर्ण है ये तो लंब है, जब तक आधार नहीं निकलेगा तब तक टेन नहीं पता हो पाएगा। तो अगर आप इसे देखोगे तो इस तरीके का संपूर्ण त्रिभुज बनेगा, कर्ण आपका पी है, लंब आपका क्यू है, आधार आपका हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब जल्दी से मैं डायरेक्ट करता हूं आप समझ जाया करो, तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू टेन थीटा बराबर होगा क्या भैया, टेन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है क्यू बटे क्या है अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये इससे कट गया, आंसर कितना आया क्यू, आंसर आया क्यू। समझ में आ रहा है ना भाई। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 16। अब डीआई से क्वेश्चन है, डीआई मतलब पहला जो आपको दिखा रहे हैं ये डेटा इंटरप्रिटेशन का पूरा आपको दिखा गया है, इसको आप समझो क्या क्या कहना चाह रहा है। तो जो ग्राफ दिया गया है उसमें यह दिया गया है कि इसमें कुल 1800 शिक्षक हैं और इसमें जीव विज्ञान हिंदी अंग्रेजी गणित भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले हैं। कंप्यूटर जी अब क्वेश्चन दिखाइए, तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कि भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले 2/9 शिक्षक महिलाएं हैं,
तो भौतिकी पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षकों की संख्या, रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है? तो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहे हैं, कुल शिक्षक कितने हैं? 1800 है। कुल 1800 शिक्षक हैं, जिसमें से भौतिकी पढ़ाने वाले 2/9 शिक्षक महिलाएं हैं। तो भौतिकी पढ़ाने वालों का देखिए 17% भौतिकी पढ़ाते हैं, तो 17/100 में से 2/9 महिलाएं हैं, तो इसका मतलब 7/9 जो होंगे वो पुरुष होंगे। 7/9 क्या होंगे? पुरुष होंगे। तो इसे कटा दीजिए तो 900 × 18, 17 × 34 सत्य, या 7 × 14 या 17 × 17 119 × 238। 238 ये पुरुष ऐसे हैं जो भौतिकी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? भौतिकी पढ़ाते हैं। अब कह रहे हैं शिक्षकों की संख्या, रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की संख्या का कितना परसेंट? अब देखिए 1800 तो कुल है, जिसमें से रसायन शास्त्र पढ़ाने वालों की संख्या 23% है। तो अगर 23% इसमें गुणा 23% निकाल लीजिए तो 18 × 54 5, 18 × 36 5 41, तो मतलब 414 ऐसे शिक्षक हैं जो क्या पढ़ाते हैं? रसायन पढ़ाते हैं। अब कह रहे हैं कि इन पुरुषों का प्रतिशत, इन शिक्षकों के प्रतिशत का कितना प्रतिशत है, यही चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो 238 इस 414 पर 238 है, तो 100 पे कितना, इसे आप कर लेना तो आएगा 47.48% करीब आएगा, तो 47% आपका आंसर हो जाएगा। तो 47% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन दिखाइए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, 17 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है भैया। कर रहे हैं रसायन, अंग्रेजी एवं जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या, रसायन पढ़ाने वाले 23% हैं, 23% रसायन विज्ञान पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाने वाले कितने परसेंट हैं? 27% हैं, 27% अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं, और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले 12% है। इन सब का पूरा परसेंटेज जोड़ लीजिए, ये 27, 33, 20, 50, 60, 62% कुल हो गए। इसका मतलब कुल शिक्षकों की संख्या जो होगी वो कुल की 62% है। अगर यही 62% निकाल दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा 18 × 36 3, 18 × 6 = 108, 3 = 111। तो 1116 शिक्षक हैं, विकल्प नंबर सी सही है। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन दिखाइए। अंग्रेजी और भौतिकी मिलाकर पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या तथा गणित और जीव विज्ञान मिलाकर पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या के बीच का अंतर कितना है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिए आराम से एकदम आप सब कर सकते हैं, सरल सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए क्या करें, अंग्रेजी और भौतिकी, इंग्लिश प्लस फिजिक्स, और क्या है, इंग्लिश प्लस फिजिक्स और गणित और जीव विज्ञान, मैथ प्लस बायोलॉजी, इनके बीच का अंतर पूछ रहे हैं। तो इंग्लिश पढ़ाने वाले जो हैं 27% हैं, और भौतिकी पढ़ाने वाले जो हैं भैया वो कितने परसेंट है? 17%। तो 27 + 17 तो 7 × 7 = 14, 27 × 10 = 37, 44%, 44%। अब माइनस अगला क्या कह रहे हैं, मैथ और बायोलॉजी 12%, 13%, 25%, तो इनमें घटाओगे तो 14 में से 5 = 9 और यहां 3 में से 2 = 1, 19% आ रहा है। तो 19% 1800 का निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यही 1800 कर दिया, कटा दिया था ना भैया, 18 × 9 = 162, 18 × 18 = 24, 10 = 34, तो आ जाएगा 342, आंसर आ जाएगा 342। कंप्यूटर महोदय अगला क्वेश्चन 19 नंबर, गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों और हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों के बीच का अनुपात, ये तो बिल्कुल सरल है, गणित पढ़ाने वाले 13% हैं और हिंदी पढ़ाने वाले 8% हैं, तो इनके बीच का अनुपात यही होगा 13:8, विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं गणित के शिक्षक 50% बढ़ा दिए जाएं और हिंदी के 25% कम कर दिए जाएं, तो गणित और हिंदी के शिक्षकों की संख्या मिलाकर कितनी होगी? सही है भैया, आराम से कर ले जाएंगे आप सब। देखिए गणित के शिक्षक पहले कितने हैं, गणित पढ़ाने वाले कितने हैं जरा ये देख लिया जाए, मैथ्स पढ़ाने वाले कितने हैं 13%, और हिंदी पढ़ाने वाले कितने हैं 8%, हिंदी पढ़ाने वाले जो हैं वो 8% हैं, 8%, तो ये 13% है, तो इनका जरा 13% अगर आप निकाल लीजिए
तो कितना हो जाएगा 18 तेरे 54 5 18 का 18 5 23 234 थे, 50% इनमें और वृद्धि कर दी गई, तो इसमें 50% और वृद्धि कर देंगे तो अब इसमें कितना बचेगा भैया, एक जीरो कटा दिया तो इसे कटा दीजिए, तो दो पंचे 10, एक दो का दो 214, पांच तिहाई 15 तो हो जाएगा 17 तरीके 51, 351 शिक्षक हो जाएंगे, 351 हो जाएंगे। और कह रहा है 25% इसमें कम कर दिया जाए, तो ये 1800 का अगर हम 25% कम कर देंगे, 18 8 144 और इसका 25% कम कर दिए तो 75 हुआ, 25 75 25 4 100, 4 3 12, 4 6 24, 36 3 108, 108 शिक्षक रह जाएंगे। कह रहे कुल संख्या कितनी होगी, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी भैया, देखिए कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 351 शिक्षक ये और 108 ये, तो ये हो जाएगा 459 शिक्षक, तो कुल हो जाएंगे 459, आपका विकल्प नंबर सी सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज ये प्रैक्टिस सेट आपका एक मॉक टेस्ट सीरीज और खत्म किया मैंने, इसमें 20 क्वेश्चन थे और आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं और नई प्रैक्टिस सेट के साथ अगले दिन, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।